और बता दें आपको बड़ी खबर, राज्यसभा में विपक्ष का लगातार जोरदार हंगामा मणिपुर मुद्दे को लेकर। राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पीएम को मणिपुर मुद्दे पर बयान देना चाहिए। नीतीश कुमार का यह बयान सामने आया है कि आखिर मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं पीएम। जो घटना हो रही है इस पर विपक्ष एकजुट है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर देखिए बड़ा बयान यहां नीतीश कुमार का सामने आया है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं इतनी बड़ी घटना हुई है, आखिर क्यों पीएम मोदी बोल नहीं रहे। पीएम को मणिपुर मुद्दे पर बयान देना चाहिए, ये बात कह रहे नीतीश कुमार। साथ ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों मणिपुर पर पीएम बोल नहीं रहे। जो घटना हो रही है इस पर विपक्ष एकजुट है। इनको तो बराबर कह रहा है भाई कि उनको बोलना चाहिए, अब कुछ बता नहीं रहे हैं और सब कुछ गायब रहे हैं। बाकी जो कह रहा है इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग कह रहे हैं भाई। वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीज़ों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है। तो इस पर तो कुछ बोलते नहीं है, तो बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी। तो इसीलिए तो ला रहा है उसी के चलते कि सब लोगों ने तय किया है वहाँ।